नमस्कार, मैं हरिराम सिंह। मैं अपने एक छोटे से मेडिकल रीजन को आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। जो मेडिकल रीजन एलियोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बन गया और ठीक नहीं हुआ। मैं इस ट्रीटमेंट में जो सफ़र किया, मैं चाहता हूँ कि हमारे दूसरे दोस्त उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और इस प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सफ़र न करें। इस उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि दूसरे दोस्त भी लाभान्वित हो सके। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके और वो लाभान्वित हो सके। रीज़न ये था कि मेरे बाएँ पैर के अंगूठे के बगल में जो उंगली है पतली सी, उसमें बहुत पेन हो रहा था। एक्सट्रीम पेन, सीवियर पेन, असहनीय दर्द होता था। और ऊपर से तो उंगली ठीक थी, हल्का लाल जरूर हो गई थी, अंदर से लगता था पक गया है, घाव हो गया कुछ ऐसा, लेकिन देखने में ऐसा कुछ लगता नहीं था। तो मैं रायगढ़ के एक अनुभवी डॉक्टर के पास, एमडी के पास, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास गया और ट्रीटमेंट कराने के लिए उनको मैं रिक्वेस्ट किया। उनको मैं बताया, अपनी तकलीफ़ बताया। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट वगैरह जाँच कराए, बहुत सारे 8-10 दिन का दवाइयों का कोर्स दिया, दवाइयों का कोर्स उसका उन्होंने पूरा किया। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ दवाइयाँ उन्होंने चेंज किया, लेकिन दवाइयाँ खाते खाते मैं थक गया उनका, लेकिन ये दर्द मेरा गया नहीं और ट्रीटमेंट मेरा हुआ नहीं, मैं परेशान हो गया। फिर रायगढ़ के एक बड़े हॉस्पिटल में, नामी गिरामी हॉस्पिटल के एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर के पास, जो कि MD थे, उनके पास भी मैं गया और उनके पास भी अपनी तकलीफ़ें सुनाई। तकलीफ़ सुनाने के बाद उन्होंने जूते बदलने की सलाह दे दी और जूते हमने बदल दिए, और उन्होंने भी 8-10 दिन का दवाइयों का कोर्स खिलाया, वो खा करके मैं थक गया, लेकिन वो हमारा दर्द में कोई राहत नहीं मिली, मेरा दर्द जैसा तैसा ही बना रहा। तब मैं रायगढ़ छोड़ करके बिलासपुर आया, और बिलासपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बिलासपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर के पास मैं गया, जो कि MD थे, उनसे भी मैं अपनी तकलीफें सुनाई कि मेरे बाएं पैर के अंगूठे के बगल वाली मुट्ठी में दर्द हो रहा है, करीब 1.5-2 महीना से दर्द हो रहा है और असहनीय दर्द है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये मेरी मदद करिए। डॉक्टर साहब ने भी कोई 8-10 दिन का ऐसा कुछ दवाइयों का कोर्स दिया, हमने खाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल 1% भी फायदा नहीं हुआ। मैं जैसे कि तैसे परेशान होता रह गया। परेशान हुआ कि दवाइयाँ जो पेन किलर देते थे वो राहत मिल जाती थी, क्योंकि एलियोपैथिक दवा में पेन किलर ही एक रामबाण है जो हर जगह यूज कर दिया जाता है, उतना तक राहत ही, लेकिन वास्तव में हमको कोई राहत मिली नहीं थी। तो हम लाचार होकर के फिर मैं वापस रायगढ़ गया। रायगढ़ में लाचार होकर, परेशान होकर कि मैं कहाँ जाऊँ, एक होम्योपैथिक दवाखाना में घुस गया। होम्योपैथिक दवा में घुसने के बाद डॉक्टर साहब को मैं नमस्ते किया। डॉक्टर साहब ने नमस्ते के जवाब में बोला कि आइए सिंह साहब, बैठ जाइए और मैं 2 मिनट के बाद आपसे बातें करता हूँ, और 2-3 मिनट के बाद उन्होंने अपना समय मुझे दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ मेरी तकलीफ़ें सुनी, परेशानियाँ सुनी। मैं बोला कि मैं 3-3 बड़े डॉक्टर से इलाज करा के थक चुका हूँ, डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए, ये मेरा दर्द नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, परेशान मत होइए, और उन्होंने कुछ दवाइयाँ हॉस्पिटल में अपने दवाखाने में ही खिला दी और कुछ दवाइयाँ उन्होंने घर में खाने के लिए दे दी, सलाह दे दी, और वैसा मैंने किया। 2 दिन तक तो उस दवाइयों से भी कुछ फराहत हमको नहीं महसूस हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद 3रा दिन मॉर्निंग में जब मैं उठा, बेड से उठा, तो देखा मेरा दर्द जो है ऑलमोस्ट गायब था, मुश्किल से 10-20% दर्द रह गया था, 30% के आसपास दर्द रह गया था, 60-70% दर्द तो गायब था। तो हमको बड़ी राहत मिली, बहुत दिनों के बाद राहत मिली, और डॉक्टर साहब से बड़ी बहुत प्रसन्नता हुई। तो मैं डॉक्टर साहब को जब दवा लेकर जाने लगा दवाखाना से, तो डॉक्टर साहब को मैं बोला कि डॉक्टर साहब अपनी दवा का तो फीस ले लीजिए, दवा के पैसे ले लिए। डॉक्टर साहब बोला कि नहीं नहीं, आपसे दवा का कोई हमको फीस नहीं लेना है और आपको मुफ्त में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आप जाइए। बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी मुफ्त किसी से कुछ भी लेने का कभी इरादा नहीं रहा, न लेता हूँ न आपसे लूँगा। सो आपका कुछ पैसे तो स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे से भी पैसे स्वीकार कर रहे हैं तो हमसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको हमने 100 रुपये दिए,
और उन्होंने 100 रुपया दिए दिए क्या उनके टेबल पर रख दिए, तो उन्होंने 100 रुपया हमको लौटा दिया कि नहीं नहीं आपसे पैसे मैं नहीं लूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं फ्री का ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकता, इसलिए आपको लेना ही पड़ेगा, 100 रुपये मुझे मत लौटाइए, 50 रुपये लौटा दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ। 50 रुपये हमने स्वीकार किया, 50 रुपये उन्होंने भी स्वीकार किया। फिर जास में दवाखाना से निकलते समय मैं उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब मेरा नाम लेकर के आपने एड्रेस किया, सिंह साहब नाम लेकर के बोला कि सिंह साहब आइए बैठिए, आप हमको पहचानते हैं कैसे? उन्होंने बोला कि मैं भी एनटीपीसी में एक एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ और कुछ अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शायद उन्होंने कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का क्वालिफिकेशन हुआ लेकर के वो प्रैक्टिस चालू कर चुके थे, उनका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा चल रहा था और हमको तो उन्होंने ही ठीक किया। तब उन्होंने परिचय दिया कि मैं मणिकांत भट्ट हूँ और एनटीपीसी कोरबा में आप हमारे घर आ चुके हैं और मेरा घर का लोकेशन, मैंने अपने घर का डॉक्टर साहब ने लोकेशन बताया कि वहाँ आप आ चुके हैं। और तब मैं रिकॉल किया कि यस डॉक्टर साहब के घर में मैं जब एनटीपीसी में थे मैं जा चुका हूँ, वो मणिकांत भट्ट साहब ने मेरा फ्री में ट्रीटमेंट किया, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद 50 रुपये स्वीकार किया, दबाव देने के बाद ही स्वीकार किया। और वो होम्योपैथिक दवा से मेरा इतना सीवियर पेन वो बिल्कुल समाप्त हो गया, करीब 7-8 साल पहले की बात है और कोई अभी 2023 चल रहा है और अभी कोई 7-8 साल पहले उन्होंने ट्रीटमेंट किया था और बिल्कुल मैं सही सलामत हूँ। और मैं सभी दोस्तों से नम्र निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आप लोग भी पहले अपने रोग को पहचानिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होम्योपैथिक को आयुर्वेदिक को दीजिए, एलियोपैथिक को न दीजिए, क्योंकि छोटे से ट्रीटमेंट के एलियोपैथिक के चक्कर में मैं कितना समय बर्बाद किया, कितना पैसे बर्बाद किया, कितना हेल्थ बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया। अंत में जो ट्रीटमेंट हुआ ये होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट हुआ और होम्योपैथिक से ही हम ठीक हुए। इसलिए बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका इलाज होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में ही है, और आयुर्वेदिक का भी अनुभव अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा मैं, जो आयुर्वेदिक की दवाएं भी कमाल की दवाएं हैं। तो हम लोग अपने ट्रीटमेंट में मेडिकल रीजन में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। और एलियोपैथिक दवाएं भी बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इमरजेंसी नेचर ऑफ जॉब के लिए अच्छी हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जहाँ एलियोपैथिक पूर्ण रूप से फेल है वहाँ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाएँ हैं काम करती हैं, हमको राहत देती है, उनको सुकून देती। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर जा रहा हूँ और एक बार पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े और अब छोटे बड़े अनुभव आप लोगों से शेयर करूँ जिस चीज़ में मैं सफ़र कर चुका हूँ और कोई दोस्त शेयर न करे। कहा जाता है कि आवर ओन लाइफ इज़ नॉट लॉन्ग इनफ टू लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स ओनली, हम लोगों का अपना जीवन उतना लंबा नहीं होता है कि सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीखें, इसलिए दूसरे की गलती या दूसरे के अनुभव से भी सीखना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।